दोस्तों, इस समय बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्मों को भी दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इन दिनों हर तरफ मलयालम फिल्म मंजुमेल वॉयज की चर्चा है। इस फिल्म को रिलीज हुए करीब 13 दिनों का समय बीत चुका है। इन 13 दिनों में इस पिक्चर ने सफलता के नए मुकाम हासिल कर लिए हैं। इससे पहले 2018 में ब्रह्मा युगम और प्रेमलु जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गजधर मचा दिया था। अब इस लिस्ट में मंजुमेल वॉयज का भी नाम शामिल हो चुका है। मंजुमेल वॉयज 22 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मलयालम फिल्म भाषा में आई है। फिल्म के डायरेक्टर सी तंबरम एस पोधुवल ने 20 करोड़ रुपए में बनी इस पिक्चर को रिलीज हुए मुश्किल से 13 दिन ही हुए हैं और इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। बता दें कि 13 दिनों में 100 करोड़ कमाने वाली ये मलयालम फिल्म मंजुमेल वॉयज में शौबिन शायर और श्रीनाथ लीड रोल में है। साल 2024 की ये पहली मलयालम फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मंजुमेल वॉयज साल 2006 में तमिलनाडु में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। तमिलनाडु में इस फिल्म ने अब तक करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। अगर इस फिल्म की कमाई इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये जल्द ही रजनीकांत की लाल सलाम के कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी। फिल्म में दिखाई गई एक खास गुफा, मंजुमेल वॉयज में एक गुफा दिखाई गई। इस गुफा को गुना गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा को इस नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि कमल हासन की 1991 की रोमांटिक ड्रामा गुना इस पर ही बेस्ड थी। हालांकि इससे पहले यह गुफा डेविल्स किचन के नाम से भी मशहूर थी। मंजुमेल वॉयज में एक ऐसी ही लड़कों के ग्रुप को दिखाया गया जो मौज मस्ती करने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं। मंजुमेल वॉयज की स्टार कास्ट पर नजर डालें तो इसमें शौबिन शायर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीस, गणपति एस पोडुवल, लाल जूनियर अहम रोल में नजर आए। इस फिल्म का निर्माण परवा फिल्म्स ने किया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।